एचटीएमएल कंप्यूटर कोड, इस कोड में हम पांच टाइप का स्टडी करेंगे। पहला कोड, ये प्रोग्राम कोड डिफाइन करने के लिए यूज होता है। उसके बाद केबीडी, ये कीबोर्ड इनपुट डिफाइन करने के लिए होता है। उसके बाद एसएएमपी, वो कंप्यूटर आउटपुट डिफाइन करने के लिए होता है। वीएआर, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए होता है। और प्री, वो प्री फॉर्मेटेड टेस्ट के लिए होता है। तो हम वन बाय वन एक टैग ले लेंगे। पहला कोड टैग लेते हैं। नहीं, हम पहले केबीडी टैग लेते हैं। तो उसमें हम कीबोर्ड इनपुट के लिए यूज करेंगे। कीबोर्ड इनपुट के लिए हम केवीडी टैग यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, केवीडी टैग, उसके बाद ये है अपना एसएमपी, उसके बाद कोड। इसमें क्या होता है कि उनको प्री डिफाइन लेटर साइज और पेसिंग अलाउ होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, अभी हमने एक पैराग्राफ डाला और दूसरा केबल डाला, तो उसका आउटपुट में आपको डिफरेंस पता चलेगा कि उसका आउटपुट अलग अलग आ रहा है। टेस्ट फॉर्मेटिंग, टेस्ट साइज, सब कुछ अलग आ रहा है। देखो यहाँ पे दो टैग है, तो उसमें ये डिफरेंस आ रहा है। मतलब इसमें यही है कि उनको खुद को कुछ फॉन्ट साइज और पेसिंग वगैरह ऑलरेडी अलाउ किया हुआ है। फॉन्ट साइज, खुद की कुछ पेसिंग्स अलाउ के लिए हुए हैं। तो हम एक बाय वन बाय वन ये तीनों टैग देख लेंगे। हमने जैसे कि केवड़े देखा है, इसके बाद एसएमपी देखेंगे। उसके बाद कोड, देखिए अभी ये दो टैग है, तो हम उसको एग्जीक्यूट कर लेते तो आपको भी डिफरेंस पता चल गया। देखिए उसका फॉन्ट साइज अलग है, फॉन्ट अलग है, अलाइनमेंट अलग है। उसके बाद अभी कोड टैग, एक हर एक टैग को एक खुद का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो वो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से दिखता है। उसके बाद कोड, हम जब कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं तो उसके लिए कोड टैग यूज होता है। कोड टैग में हाँ, ये हम जैसे प्रोग्रामिंग लिखते हैं वैसे वो आता है, लेकिन इसमें क्या है कि वो एक्स्ट्रा पेसेस हम वहाँ देते हैं तो वो अलाउ नहीं करता है, या लाइन ब्रेक हम देते हैं तो वो अलाउ नहीं करता। तो इसके लिए हमें वो कोड टैग है वो प्री टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, ताकि लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था प्री टैग प्री डिफाइंड होता है। तो उसमें हमें जैसे हम लिखते हुए थे प्री फॉर्मेटेड टेस्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हम जैसे लिखते हैं, जितने पेसेस देते हैं वो पेसेस उतने अलाउ करता है। उसके बाद जहाँ ब्रेक करते हैं हम टेस्ट, वो वहाँ से ब्रेक कंसिडर करके हमें आउटपुट में वैसे ही ब्रेक दिखा देता है। तो हम अभी कोड कोड के
कोड टैग पहले एग्जीक्यूट कर लेंगे, देखिए ये वन लाइन में आ गया, तो हमें ये वन लाइन में नहीं चाहिए, हमने जैसे लिखा वैसे चाहिए, तो इसके लिए हमें प्री टैग यूज करना पड़ेगा। तो हम ये प्री टैग यूज करेंगे यहाँ पे, और हाँ ध्यान रखिएगा प्री टैग कोड टैग प्री टैग के अंदर होना चाहिए। ओके ये जैसे लिखने लिखा है हमने वैसे आ रहा है, जितने पैसे दिए हुए हैं सब कुछ यहाँ आ रहा है। उसके बाद वेरिएबल VAR टैग वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, वो मैथमेटिकल से वेरिएबल होते हैं, मतलब m स्क्वायर टू टू स्क्वायर m इज इक्वल टू EC12 वगैरह वगैरह ऐसा लिखना है, तो हमें ये VAR टैग यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद वो हमें स्क्वायर वगैरह वो लिखना है, तो उसके लिए सुपर टैग जैसे कि हमने लास्ट टाइम यूज किया हुआ था, हम जस्ट इस टाइम प्रैक्टिस में ले लेंगे उसको। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने ई को वेरिएबल कहा है, उसके बाद यम को फिर से मैंने वेरिएबल कहा, और अभी एस टी टैग है अपना, इसमें हम टी लिख रहे हैं, तो मतलब ये ऊपर आ जाएगा यम टू यम थ्री, इस तरह ये वेरिएबल लिखने के लिए हमने यूज किया।